साल 1922 में जब इजिप्शियन डेजर्ट के बीचों बीच प्राइवेटली फंडेड आर्कियोलॉजिस्ट मिस्र के इतिहास से संबंधित किसी खजाने की तलाश कर रहे थे तो करीब एक साल तक सारे रिसोर्सेज लगा देने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि ये रिसर्च प्राइवेटली फंड किए जा रही थी इसलिए अक्टूबर 1922 आते आते इन्वेस्टर के सारे पैसे खत्म होने लगे थे और रिसर्च हेड हावर्ड कावर्ट के पास एक महीने के अंदर रिजल्ट ना मिलने पर रिसर्च बंद करने का आदेश आ चुका था। 4 नवंबर 1922 के उस दिन सब अनमने ढंग से आगे बढ़ रहे थे लेकिन तभी अचानक खुदाई करते हुए एक टीम को धरती के नीचे किसी तरह के कमरे के जैसा अंडरग्राउंड कंपाउंड मिला और जब हावर्ड अपनी टीम के साथ उस कंपाउंड के अंदर गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उस अंडरग्राउंड कंपाउंड के अंदर दीवार की नक्काशी से लेकर दरवाजे की कुंडी तक सब कुछ सोने का बना हुआ था लेकिन इतने किलो सोने के बीच असली खजाना तो कमरे के अंदर मौजूद एक बड़ा सा ताबूत था जिस पर इजिप्शियन गॉड ऑफ डेथ ओसाइरिस की आकृति को देखकर तो सब हैरान थे ही लेकिन ताबूत के अंदर मौजूद दो और ताबूतों को खोलने के बाद मानो इतिहास रच गया क्योंकि जो खोजकर्ता कुछ ही दिनों में बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाने वाले थे उनके सामने मिस्र के इतिहास की सबसे बेशकीमती मम्मी मौजूद थी और वो मम्मी थी फिरौन तुतनखामून की। वेल, मैं हूँ सैम और आज की इस वीडियो में उस गुफा के अंदर और उस दो ताबूत के अंदर कौन कौन से रहस्यमय सामान मिले इसके बारे में जानेंगे जिससे आप ये जान पाएंगे कि आखिर तुतनखामेन था कितना अमीर। वैसे तो हावर्ड कार्टर ने दुनिया के सामने बताया था कि उन्हें तुतनखामेन के मकबरे से करीब 3000 खजाने मिले थे लेकिन समय का ध्यान रखते हुए आज हम आपको उनमें से 12 सबसे हैरत अंगेज आइटम्स के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो तुतनखामून की मम्मी और उनका डीएनए बताता है कि वो शारीरिक रूप से कई मामलों में असमर्थ थे, बोले तो कमजोर थे, लेकिन फिर भी उनकी कब्र के पास उनकी ये मूर्ति देखने को मिली थी जिसमें उन्हें एक हिप्पो का शिकार करते हुए नोटिस किया जा सकता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्राचीन इजिप्ट में हिप्पो के शिकार को वीरता का प्रतीक माना जाता था, बोले तो आप ताकतवर है इस चीज का साइन माना जाता था क्योंकि एक तो हिप्पो विश्व के सबसे खूंखार जानवरों में से एक है और दूसरा इसकी चमड़ी और इसके दांतों को उस वक्त हैंडीक्राफ्ट में बहुत इस्तेमाल भी किया जाता था और यह मूर्ति कहीं ना कहीं डिपिक्ट करती है कि शायद तुतनखामेन भी सारी चुनौतियों के बावजूद हिप्पो का शिकार किया करते थे। बेड, यह बिस्तर तुतनखामून के मकबरे में मिले काफी सारे बेड्स में से एक था और लकड़ी से बना यह बेड इसलिए तो बेशकीमती है ही क्योंकि इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है बल्कि इसकी वैल्यू इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसके चारों पांवों पर गाय की आकृति भी बनी हुई है और गाय को एंशिएंट इजिप्ट में गॉडेस हैथोर का साइन माना जाता था जो प्यार और फर्टिलिटी की देवी थी और इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस बेड को इसलिए मकबरे में रखवाया गया था ताकि मौत के बाद भी फिरौन सभी तरह के सुख और आराम झेल सके। वाह भाई वाह, मौज है तो इसकी है। वैसे आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? शब्ति, ये बेसिकली लाइमस्टोन से बने हुए ऐसे स्टैचू हुआ करते थे जो आपको हर मिस्र के मकबरे में मिल जाएंगे और इन्हें आप आसान भाषा में अलौकिक नौकर भी कह सकते हैं जिनका काम मरने के बाद फिरौन की सेवा करना था। यहाँ जिंदा में कोई सेवा नहीं करना, इनको मरने में सेवा चाहिए। वाह भाई वाह। और मजे की बात तो यह है कि हर मकबरे में इनके लिए भी छोटे छोटे बेड बनवाए जाते थे जैसे नौकरों के लिए महलों में कमरे मौजूद होते थे ताकि इनके भी रहने की व्यवस्था की जा सके। अजीब लॉजिक है भाई। जार, वैसे तो तुतनखामून एक पुरुष थे, बोले तो आदमी, लेकिन कई सारे इतिहासकारों ने उन्हें ट्रांसजेंडर के रूप में भी डिपिक्ट किया और उन्हीं में से कुछ इस जार को सबूत के रूप में दुनिया के सामने रखते हैं क्योंकि रिपोर्टेडली ये जार तुतनखामेन द्वारा कॉस्मेटिक्स रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि तुतनखामेन के जेंडर पर आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कप, इस वक्त आप तस्वीर में जिस कप को देख रहे हैं वो अलेबेस्टर नाम की एक बहुत बड़ी नाजुक चीज से बनाया गया था जिसकी नजाकत और सफेद रंग इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाता है। अब आप और मैं भले ही एक लंबी उम्र को तरसते हो लेकिन मिस्र की मान्यताओं में ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ग का जीवन धरती के जीवन से हजारों गुना अच्छा होता है और इसलिए इस कप में हीरोग्लाइफिक में फिरौन के जन्नत में लाख साल के जीवन की दुआ लिखी गई है ताकि स्वर्ग में उनकी जिंदगी आराम से कटे। कैनोपिक जार्स, इन स्ट्रक्चर को देखकर आपको लग रहा होगा जैसे ये अलाबेस्टर से बनी हुई कोई मूर्तियां हो मगर सच्चाई तो ये है कि ये कोई मूर्तियां नहीं बल्कि ढक्कनों से ढके हुए ऐसे कैनोपिक जार्स हैं जिनके अंदर तुतनखामून के इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर और फेफड़ों को बंद करके रखा गया होगा क्योंकि मम्मीफिकेशन प्रोसेस के पहले मिस्र में दिल को छोड़कर लगभग सभी ऑर्गन मरने वाले के शरीर से निकाल लिए जाते थे ताकि उनके सड़ने के कारण शरीर को नुकसान न पहुंचने लगे। इन जार्स को लेकर एक और बात इंटरेस्टिंग है कि इन सभी के चेहरों का आकार तुतनखामेन के चेहरे की कलाकृति में ही रखा गया है जो ये डिपिक्ट करता है कि इसके अंदर किस फिरौन के ऑर्गन्स मौजूद थे। एनुबिस एंड हैथोर वॉल पेंटिंग, इस पूरे मकबरे को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ की हर एक ईंट से लेकर हर एक दीवार में
भरपूर सिंबोलिज्म देखा गया है। उदाहरण के लिए जरा इस दीवार को देखिए, जिसमें इजिप्शियन देवता अनुबिस और हैथोर तुतनखामेन के पास देखे जा सकते हैं। वैसे तो ये पेंटिंग सबको सामान्य लगेगी, लेकिन अगर इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि अनुबिस, जिसे इजिप्शियन माइथोलॉजी में कब्रिस्तान से संबंधित देवते के रूप में देखा जाता है, वो हाल ही में मरे तुतनखामेन का स्वागत करके उसे हैथोर को सौंप रहे हैं, ताकि प्यार के देवता उसे स्वर्ग में भी सारे सुखों का आनंद दे। आपको इस तस्वीर की गहराई में क्या समझ में आता है, जरूर बताएं। आइवोरी कवर्ड बॉक्स। दोस्तों, हाथी और वॉलरस जैसे जीवों के दांतों से निकाला हुआ वो सब्सटेंस, जिसे खूबसूरत चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे लवोरी कहते हैं, जिसे तस्करी की वजह से अब तो कई देशों की सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। लेकिन आज से 2 सदी पहले तक इसका प्रचलन इतना ज्यादा था कि राजा महाराजा इसे रॉयल्टी का प्रतीक मानते थे। वैसे तो तुतनखामेन के मकबरे में इसी सब्सटेंस से बनी हुई ढेरों चीजें मिली, लेकिन उन सब में से सबसे ज्यादा खास ये बॉक्स है। जो किस लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसके चारों तरफ बनी पेंटिंग का क्या अर्थ है, ये 1 सदी बीत जाने के बावजूद कोई भी खोजकर्ता डिकोड नहीं कर पाया। लेकिन आपके हिसाब से इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं कि आपका तुक्का सही लगता है। अनुबिस लकड़ी और सोने से बनी। अनुबिस की ये मूर्ति बहुत नायाब है, क्योंकि भले ही लकड़ी के कारण एलिमेंट वाइज इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो, मगर इसका काला रंग इसे देखने में इतना खूबसूरत बनाता है कि लोग इसके लिए करोड़ों की बोली लगाने को तैयार रहते हैं। ऊपर से ऐसा माना जाता है कि आज के समय में सुरक्षित ये अनुबिस की सबसे पुरानी मूर्ति है, जिस वजह से इसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाती। ट्रम्पेट्स। वैसे तो तुतनखामेन की कब्र 3000 से भी ज्यादा साल पुरानी है, लेकिन इसी मकबरे में 2 ट्रम्पेट्स से मिलते जुलते इंस्ट्रूमेंट मिले थे, जिनमें से एक चांदी का और एक ब्रॉन्ज का बना था। खोज होने के बाद लोगों को लगा कि इतने सालों में तो ये खराब हो गए होंगे, जिस वजह से उन्होंने इसे संरक्षित कर लिया। लेकिन जब सन 1938 में फेमस म्यूजिशियन जेम्स टेपेन को इस हैरतअंगेज ट्रम्पेट के बारे में पता चला, तो उन्होंने महीनों इसे बजाने के लिए ट्राई करने की परमिशन लेने में बिता दी, जो अंततः मिल ही गई। और जब ट्रम्पेट हाथ लगने के बाद 19 अप्रैल 1939 के दिन इजिप्शियन म्यूजियम के अंदर ही जेम्स ने उन दोनों ट्रम्पेट्स को बजाया, तो इसी के साथ उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया, जहां उन्हें विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र, बोले तो मशीनरी टाइप जो भी है जो म्यूजिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, बजाने वाले के रूप में कंसीडर किया जाने लगा। और इन ट्रम्पेट्स को ओल्डेस्ट सर्वाइविंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाने लगा, जो 3000 सालों के बाद भी बेहतरीन बज रहे थे। कॉफीन। वैसे तो तुतनखामेन के मकबरे में मिला खजाना बेशकीमती था, जिसकी मार्केट वैल्यू इकोनॉमिक्स द्वारा आज के समय में $2.5 बिलियन, बोले तो 24,000 करोड़ रुपए के आसपास एस्टिमेट की जाती है। लेकिन इस पूरे खजाने में सबसे बेशकीमती चीज थी तुतनखामेन का ताबूत, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दरअसल तुतनखामेन को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ताबूतों के अंदर बंद किया गया था, जो एक के अंदर एक कैद। जोएस टेल डेस्ली ने अपनी किताब तुतनखामेन द सर्च ऑफ एन इजिप्शियन किंग में बताया कि इन तीनों कॉफिन्स का कंबाइंड वेट 1.25 टन के बराबर था, और ये तीनों ही 70% सोने के बने हुए थे, जिसमें कुछ सोने से भी ज्यादा बेशकीमती धातुएं भी जुड़ी हुई थी। तीनों में से सबसे पहला कॉफिन लकड़ी का बना हुआ था, जिससे कुछ हिस्सों पर सोने का पानी चढ़ा था। उसके अंदर मौजूद दूसरा कॉफिन भी सेम पहले वाले की ही तरह सोने के पानी के साथ लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन इस पर लोटस के फूल भी लगाए गए थे, क्योंकि इजिप्शियन माइथोलॉजी में लोटस को प्योरिटी का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ मान्यताओं में तो ये तक भी कहा जाता है कि जब आप स्वर्ग में एंटर करते हैं तो देवता आपका स्वागत कमल के फूलों से करते हैं, जो बताता है कि उनके कल्चर में लोटस आखिर कितने सिग्निफिकेंट है। लेकिन इन्हीं दोनों कॉफिन्स के अंदर था सॉलिड गोल्ड और बेशकीमती मेटल से बना हुआ तुतनखामेन का वो फाइनल कॉफिन, जिसकी अकेले की कीमत मार्केट में 800 से 900 करोड़ के ऊपर आंकी जाती है। इसी चमचमाते हुए ताबूत के अंदर से हावर्ड कार्टर को तुतनखामेन की मम्मी मिली थी, जिसके मरे हुए शरीर पर खुद भी काफी सारे जवाहरात और जेवर मौजूद थे, जिनकी वैल्यू अगर हम आपको बताने पर आ गए तो आपका क्या किसी को भी अपने बैंक बैलेंस पर संकोच करना पड़ जाएगा, बोले तो कम लगेगा यार। आज ये ताबूत कायरो में मौजूद इजिप्शियन म्यूजियम के अंदर टूरिस्ट को देखने के लिए रखा गया है, लेकिन इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि हमारा तो अभी भी इससे नजर हटाने का मन नहीं कर रहा। गोल्डन सैंडल। दोस्तों, वैसे तो तुतनखामून का कोई भी बच्चा नहीं था, क्योंकि 19 साल की हल्की सी उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी, लेकिन यकीन मानिए, अगर तुतनखामेन का बच्चा कभी उनकी चप्पलें खा लेता तो उसके शरीर पर मार के निशान जिंदगी भर रहते। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब ताबूत खोला गया तो तुतनखामेन की मम्मी प्योर सॉलिड गोल्ड की चप्पलें पहने हुई थी, जो करीब 11.6 इंच लंबी थी,
यानी एक फुट से बस नाम मात्र कम। अब इन चप्पलों की कीमत करोड़ों में होगी वो तो अलग बात है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये चप्पलें कभी किसी को पड़ जाती तो तुतनखामून तो कभी कोई जंग हारता ही नहीं। वैसे आपने कभी बचपन में माँ बाप से चप्पलें खाई है या नहीं, कमेंट करके बताना।